हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर थिएटर टेक्निकल मास्टर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि थिएटर स्ट्रैक प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ये देखिए, ये लिखा बी ऑप्शन के आगे, थिएटर स्ट्रैक प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने यहाँ पे पहले अपना पैचिंग कर लीजिए। ये जो आपके फीडर हैं, ये देखिए, 1 से 30, ये तो आपका फर्स्ट लाइन है जो ए है, और इसके ऊपर एक और आपके पास लाइन है जो 31 से स्टार्ट होती है, 31 से जाएगी ये 60 तक। ये देखिए, ये लिखा 60 नंबर, ये यहाँ। तो यहाँ आप पहले अपनी लाइटें पैच कर लीजिए। जब आपकी सारी लाइटें पैच हो जाएं, उसके बाद आपका ऑप्शन आता है कि आप थिएटर प्रोग्रामिंग कैसे बनाई जाए। और जो ये काम करेगी, ये खाली आपका ये जो एक बटन है गो, इस पे पैच करेगी काम। तो इसके लिए आपको अपने एक बोर्ड के साथ एक मॉनिटर चाहिए, देखिए, जो इस टाइप का हो, तभी आप मतलब ये प्रोग्रामिंग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना पता नहीं लग पाएगा। और इसके साथ एक मॉनिटर चाहिए ही चाहिए, मतलब कंपलसरी है। आइए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बी ऑप्शन जाना होगा, थिएटर स्ट्रैक प्रोग्रामिंग। ये आपने दबाया, अब देखिए यहाँ पे लिख के आया स्टार्ट थिएटर प्रोग्रामिंग, एंटर यस, एग्जिट नो। तो एंटर का बटन देखिए यहाँ पे है, ये आपने यस दबा दिया। अब देखिए कि आपका ये 12 नंबर जो मास्टर है, ये बिलिंग करने लग गया। अब इसको आप उठा दीजिए। 4 फीट, उसके बाद 13 नंबर, फिर 14 और 15। आपके ये जो नीचे की हैं, ये मास्टर पांचों ऊपर होने चाहिए, और ये 1 से 15 जो हैं उसके 1 से 12 डाउन, और 13, 14, 15 ये आपके अप होने चाहिए, मतलब 12 से 15 तक, 4 फीट है। अब आप आ जाइए, आप देखिए कि आपसे पूछेगा कि इनपुट स्टेप, और ये देखिए एड्रेस दे रहा है, ये करंट स्टेप। अब हम इसमें ये फीडर उठाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये दो फीडर चाहिए, इन दोनों की लाइट चाहिए आपको, तो अब इसको आप एड्रेस दे देंगे, इसको एक एक नंबर। देखिए मैंने एक दबाया तो एक आ गया, ये देखिए यहाँ पे इनपुट स्टेप 1.0, एंटर। अब इसके बाद हम इसको एंटर दे देंगे, देखिए ये एंटर का बटन है, ये हमने एंटर दबाया। रिकॉर्ड मेन्यू, रिकॉर्ड प्रोग्राम, हाँ, इसमें आपको रिकॉर्ड मेन्यू, रिकॉर्ड प्रोग्राम, फिर आपको अब ये आ गया इनपुट स्टेप, देखिए 2 नंबर। अब उस फीडर को जो हमने ऊपर किया था, उसको डाउन कर देंगे। अब मान लीजिए, अब आपको ये दोनों चाहिए, 3 और 4, ये आपने उठा दिए, ये लाइट वहाँ जल गई हैं, इसको हम एड्रेस देंगे 2 नंबर। ये देखिए 2 इसमें आ चुका है, तो 2 ही नंबर हम इसको दे देंगे, और ये आपका करंट स्टेप 1 होगा। अब देखिए ये डी के सामने लिखा है रिकॉर्ड मेन्यू, अब इसको दबाएंगे, अब देंगे एंटर। रिकॉर्ड प्रोग्राम, रिकॉर्ड प्रोग्राम, मतलब आपको ये 2 बार दबाना है, रिकॉर्ड मेन्यू, रिकॉर्ड प्रोग्राम, और फिर एंटर। एंटर नहीं, नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, अब ये हमने ये फीडर डाउन किए। अब मान लीजिए कंटिन्यू टू नहीं चाहिए, अब मान लीजिए हमें यहाँ चाहिए 11, 12 नंबर, ये हमने उठाया। ये देखिए, ये 11 और 12 नंबर का फीडर है, बाकी देखिए सब डाउन है। अब फिर यहाँ आ जाइए, अब ये आपसे फिर पूछेगा, देखिए इनपुट स्टेप, तो ये 3 नंबर दे दीजिए, आपके हमारे 2 हो चुके हैं, रिकॉर्ड मेन्यू, रिकॉर्ड मेन्यू, रिकॉर्ड प्रोग्राम। ये देखिए इसने ले लिया, अब ये ऑटोमेटिक 4 पे आ गया। ऐसे ही ये हमने डाउन कर दिया, मान लीजिए हमें ऊपर का चाहिए, ये हमने ये फीडर उठा दिया, देखिए बाकी सब डाउन है, तो ये आपका नंबर है 39 और 40। ये देखिए बस 2 ही फीडर ऊपर उठे हैं। अब फिर हम इसको स्क्रीन की तरफ लेके जाते हैं, इसमें देखिए आपको यहाँ दिखाएगा इनपुट स्टेज 4, मतलब 3 तक हम कर चुके थे, अब ये चौथा नंबर है, मतलब चौथी लाइट पैच होगी। अब देखिए हम इसे दबाएंगे, डी लाइन के सामने देखिए रिकॉर्ड मेन्यू लिखा है। अब देखिए फिर आपने देखा होगा ये ऑप्शन चेंज हो गया, रिकॉर्ड प्रोग्राम लिख के आया, और ऊपर देखिए आपका सेम ही है। अब हम रिकॉर्ड प्रोग्राम फिर दबाएंगे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ लाइटें ब्लिंक होती हैं उस टाइम। चलिए अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ अगली। आप मान लीजिए इसको डाउन किया हमने, आ गए यहाँ पे
ये देखिए ये 49 और 50 फीडर हमने उठा दिया, बाकी देखिए सब डाउन है आपके, तो ध्यान रखिएगा सारे फीडर डाउन होनी चाहिए, नहीं तो वो लाइट भी पैच हो जाएगी। अब स्क्रीन पे हम वापसी आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी बस एक लाइट जल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे आपका 5 नंबर स्टेप आ चुका है। अब देखिए हम ये डी वाला दबाएंगे तो उधर देखिएगा ये जो फीडर हैं ये ब्लिंक होंगे, ये देखिए रिकॉर्ड प्रोग्राम, ये देखिए, तो मतलब आपका यहाँ पे ये प्रोग्राम सेव हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आप आगे बहुत चीज़ें जितनी मर्जी लाइटें पैच कर सकते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग हो। अब ये प्रोग्रामिंग हमारी हो गई है, अब हमें जो हमें चलाना है वो यहाँ से आपका चलेगा ये गो बटन से, तो इसके बाद हम इसको यहाँ से क्विट कर देंगे। ये देखिए क्विट का बटन था यहाँ, ये क्विट हो गया, ईस्ट अब प्रोग्रामिंग आ गए, हम एग्ज़िट मारेंगे, ये अब हम बाहर आ चुके हैं बिल्कुल। अब हम अपना प्रोग्रामिंग में फिर आएंगे, इसको दबाएंगे स्ट्रेट थिएटर प्रोग्रामिंग में हम आ गए हैं, उसके बाद एंटर देंगे, अब हम अपनी प्रोग्रामिंग में आ चुके हैं। अब देखिए हम इसको दिखा रहे हैं कि ये नंबर 1 दबाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, फिर हमने एंटर दिया, अब ये गो बटन, ये देखिए ये फर्स्ट स्टेप आ गया। ऐसे ही अब हम आगे चलते जाएंगे, ये देखिए गो बटन पे ये आपका देखिए ये यहाँ पे आने लग गया। अब हमने दबाया गो बटन दोबारा, ये सेकंड स्टेप आ गया, ये देखिए। और ऐसे ही किसी का कोई क्वेश्चन हो थिएटर प्रोग्रामिंग कैसे बनती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। धन्यवाद।